अभी कोविड का जो सिचुएशन है, आप जानते हैं कि ओवरऑल जो आंकड़ों की दृष्टि से हमारे कोविड के मामलों में हमारे को निश्चित रूप से एक प्रकार से हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि जो हमारा डबलिंग रेट है सारा देश के अंदर, वो करीब 11 और 12 के बीच में आ गया है। मॉर्टेलिटी रेट वही 3.2 इसके आसपास है, और इसके साथ साथ जो इतने बड़े लेवल पर केसेस में वेंटिलेटर पर केवल 0.33% लोग हैं, ऑक्सीजन के ऊपर केवल 1.5% लोग हैं, या आईसीयू बेड पर केवल 2.34% लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे और ख़ासकर बिहार में, जहां पर अभी पहले स्थिति जो थोड़ा सा काफ़ी स्टेबल थी, अभी बिहार में भी थोड़ा सा जो है तकलीफ जो है अपने पांव पसार रही है, ऐसा नज़र आता है। कोविड के बारे में 3-4 इश्यूज़ रेज किए गए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कहा गया है, पॉजिटिव्स भी बताए गए हैं, नेगेटिव्स भी बताए गए हैं, सैंपल्स कम टेस्ट हो रहे हैं, जो लैब्स का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, और जो नेशनल एवरेज जैसा मैंने कहा कि हमारा डबलिंग रेट 11.3 11.5 इस तरह से जो है इस समय 11 और 12 के बीच में है, तो यहाँ जो प्री लॉकडाउन जो है हमारा 3 और 4 के बीच में सारे देश का था, तो उस जगह पे कई जगह जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी चर्चा की गई वहाँ पर उतना है। हालांकि वो एक अकेला पैरामीटर नहीं है ये भी बताया गया है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमको लगता है कि बिहार जिस प्रकार से शुरुआती दौर में बाकी देश के मुकाबले ऐसा लगता था कि बिहार के अंदर ये जो बीमारी है अपने पाँव नहीं पसार रही है, लेकिन ये अभी ऐसा लगता है कि बिहार में ये बीमारी एक्सपेंड हो रही है, और इसी स्टेज में इसके प्रभाव को रोकना, जितने जल्दी से जल्दी रेड को ऑरेंज और ऑरेंज को ग्रीन हम कर सके, ये मुझे लगता है कि बहुत इसकी आवश्यकता है। मंत्री जी के संज्ञान में ये विषय होगा ही, उधर के अधिकारी हम लोगों को अगर कुछ भी इसके बारे में जानकारी देना चाहें, हमसे किसी तरह का उनको सहयोग चाहिए तो वो बताना चाहें, तो निश्चित रूप से NCDC तो हमको रोज़ शाम को ये रिपोर्ट देती है एक एक ज़िले के बारे में, और हम डिस्कस भी करते हैं यहाँ शाम को पूरे देश के ज़िलों के बारे में प्रमुख रूप से। ये हमारा NCDC आपकी जो एपिडमियोलॉजिकल एंगल से जो भी गाइडेंस देना है और आपके साथ कोऑर्डिनेशन करना है ICMR को, वो सारे काम बराबर हम लोग करते रहेंगे। जो भी आपको किसी समय पे भी लगता है कि ये आपको सेंटर से इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो एकेडमिक सपोर्ट है, चाहे वो इसके लिए सामान मटेरियल किट्स इत्यादि, तो हमें समय पे टाइमली सूचित करते रहें, तो हम जो भी कुछ मैक्सिमम व्यवस्थाएं यहाँ से कर सकते हैं वो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।